फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बताएंगे कि आप टोनर कॉटेज कैसे रिफिल कर सकते हैं, तो एक एक स्टेप बाय स्टेप, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको इसको खोलने के लिए ये साइड में जो स्क्रू लगे होते हैं इसको खोलना है, ठीक है। यहाँ से इसको ऐसे खोलना, क्योंकि पहले जब तक इसको खोलेंगे नहीं तब तक आपका जो निकलेगा नहीं वो, ठीक है। ठीक है, ऊपर का कवर निकल गया है, ठीक है। अब इसको पीछे स्लाइड करेंगे, ठीक है। वहाँ पे स्प्रिंग के थ्रू लगा होता है, ठीक है। वहाँ पे एक स्प्रिंग लगा होता है छोटा सा, ठीक है। ध्यान से दोस्तों आप निकालेंगे, क्योंकि ये बहुत मतलब उड़ जाता है, गुम हो जाता है, ठीक है। तो आप ध्यान पूर्वक, आप कोई भी डिसेंबल कर रहे हैं तो उसको आसानी से डिसेंबल करें देख कर, और वहाँ पर एकदम हल्का सा पकड़ कर और ड्रम को बाहर निकाल लें घुमा कर, ठीक है। राउंड करके हल्का हल्का धीरे धीरे करके आप ड्रम को निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसको दो पार्ट में करने के लिए दोस्तों आपको एक एलाइनर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद वो उसको निकालेंगे, ठीक है। साइड से नोज प्लस है तो साइड से पकड़कर आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको निकालने के बाद आप, जैसे मैंने बोला कि आपको एलाइनर की ज़रूरत है, क्योंकि एलाइनर आपके पास होगा तो अंदर से आप इसको पिन करेंगे, ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इसी के थ्रू ये जुड़ा होता है, ठीक है, जो टोनर कट है ये इसी के थ्रू ये जुड़ा होता है, ठीक है दोस्तों। तो इसको आप प्रेस करेंगे तो वो बाहर चला जाएगा, ठीक है। और नोज प्लस से पकड़ कर आप उसको बाहर खींच लेंगे, पर अभी तो मैं थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तो मेरे पास एलाइनर नहीं है। पर आप एलाइनर अगर आपका प्रॉपर काम कर रहे हैं तो आप एलाइनर ले लें तो अच्छा होगा। ठीक है, ये आ गया बाहर, और फिर हम इसको नोज प्लस से पकड़ के बाहर खींच लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे इसको दो भाग में, ये इजीली दो भाग में हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो दोस्तों अब ये अलग अलग हो गया है। अब आपको रिफ़िल करना है तो पहले आपको इसमें वेस्टेज होता है, ये जो मैं, तो इसको आपके जितने भी वेस्टेज इंक होते हैं इसमें आके कलेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले आपको ये स्प्रिंग निकालना है, ठीक है। स्प्रिंग निकाल के और उसको बाहर निकाल लेंगे तो जैसे ही खुल जाएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दो स्क्रू लगे हैं, इसको आपको निकाल लेना है, ठीक है। और इसमें जितने भी वेस्टेज होते हैं उसको आपको क्लीन कर देना है, ठीक है। तो ये दोनों स्क्रू निकालते हैं, ठीक है। और दोनों, जैसे ही आप इसको वाइपर ब्लेड इसको बोलते हैं या क्लीनिंग ब्लेड भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसको जैसे ही आप निकालेंगे इसके साइड में दो ठो छोटा छोटा मतलब रुई का मतलब ये लगा होता है वहाँ पे, ताकि आपका इंक लीक ना करे, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक आप उसको भी देख लेंगे, ठीक है। ये जो ब्लेड है, अगर इसके कॉर्नर पे आपको एकदम स्लाइड करके चेक कर लेना है, कोई कटिंग वटिंग तो नहीं है उस पर। कोई अगर कटिंग होगा तो आपके पेपर पर वो डॉट लाइनिंग आ सकता है, ठीक है दोस्तों। फिर इसको आप वैसे ही जैसे था वैसे आपको प्रॉपर फिक्स कर देना है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको, ये तो हो गया, आप इसमें दो साइड होते हैं, ठीक है, एक क्लीनिंग साइड और एक इंक साइड। चलिए अब उस साइड चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये है आपका जो इंक है, इसी में रहता है, इसी में भरा जाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैग्नेटिक रॉड होता है, यहाँ पे मतलब पूरे अच्छे से इंक उठा रहा है, ठीक है। तो इंक डालने के बाद आप उसको घुमा कर चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे अब होता है, दो तरह से आप इंक डाल सकते हैं। एक ये साइड से जब खोलेंगे तो वहाँ पे एक ढक्कन होता है, ठीक है, तो वहाँ से भी डाल सकते हैं। यह जो मैग्नेटिक रॉड है इसको हटा कर, मतलब इसको हटाने के बाद भी आप वो खोल सकते हैं। यहाँ पे होता है, इसको निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ से मैग्नेटिक रॉड हटा कर भी आप इंक डाल सकते हैं, और वो साइड का जो ढक्कन था वाइट कलर का उसमें से आप इंक डाल सकते हैं,
ठीक है दोस्तों। तो कोई भी आप करें आसानी से, और स्टेप बाय स्टेप ध्यान रहे कौन सा कहाँ से निकाल रहे हैं, कहाँ से खोल रहे हैं, उसको वहीं पे लगाना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से। और आप जब भी रिफिल करें तो उसमें का जितने भी इंक हैं सबको बाहर निकाल दें, ब्लॉर मार के एकदम साफ कर दें, क्लीन कर दें, ताकि फिर आगे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए दोस्तों। ठीक है, तो इंक ये मैं यहाँ से आप डाल सकते हैं और यहाँ से भी। ठीक है, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।